141 words taking preposition to, of, and from. Preposition to. कुछ वर्ड ऐसे हैं जो खास प्रकार के प्रीपोजिशन लेते हैं, तो यहाँ हम टू प्रीपोजिशन को लेने वाले वर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे. वर्ड्स फॉलोड बाय प्रीपोजिशन टू. अपोलोगाइज टू यू. आई अपोलोगाइज टू यू फॉर माई मिस्टेक. अपोलोगाइज टू का मतलब होता है माफी मांगना, क्षमा मांगना. अपील टू. He appealed to me for help. अपील होता है किसी काम के लिए रिक्वेस्ट करना या निवेदन करना. Apply to. He applied to the headmaster for leave. Agree to. He did not agree to your proposal. Agree के साथ with भी लगता है. Agree to और agree with. We agree to a proposal and we agree with a person. आगे देखेंगे with जब आएगा तब. I agree to your proposal and I agree with you. Person के साथ with लगेगा और proposal के साथ किसी point के साथ to लगता है. Attend to. Attend to what I say. मैं जो कहता हूँ ध्यान दो. Attend to मतलब ध्यान दो. Belong to. किसी का होना. Whom does this book belong to? Blind to. He is blind to his faults. Blind के साथ of भी लगता है. Blind of eyes. He is blind of eyes and he is blind to his faults. तो blind के साथ to भी लगता है, of भी लगता है. To लगता है faults के लिए, अपने गलतियों पर ध्यान नहीं देता है. Compare to. तुलना करना. Life is compared to a battlefield. Complain to. शिकायत करना. He complained to the headmaster against me. Deaf to. He is deaf to all advices. वो जितने भी एडवाइस करो उसके लिए वो बहरा बन जाता है, ध्यान नहीं देता. Deaf to मतलब ध्यान नहीं देना. Grateful to. Grateful for. Grateful के साथ टू और फॉर दोनों लगता है. आई एम ग्रेटफुल टू यू. वाई? फॉर योर हेल्प. आपके हेल्प के लिए मैं आपके प्रति ग्रेटफुल हूँ. तो ग्रेटफुल के साथ दो लगता है, टू भी लगता है, फॉर भी लगता है. तो बोलेंगे इसे ग्रेटफुल टू, ग्रेटफुल, ग्रेटफुल फॉर. आई एम ग्रेटफुल टू यू एंड टू यू फॉर योर हेल्प. Indifferent to. ध्यान नहीं देना मतलब नहीं रखना. He is indifferent to health. Inferior to. उसे छोटा होना, उसे निम्न कोटि का होना. This book is inferior to that. Invite to. He invited me to tea. Junior to. He is junior to me by 4 years. Junior to. छोटा होना. हमसे 4 साल छोटा है, 4 क्लास नीचे पढ़ता है. Junior to. Key to. Hard work is key to success. सफलता की कुंजी. Key to. Kind to. The principal is very kind to us. दयालु होना. Kind to. Obedient to. He is obedient to his teacher. He is obedient to his father. इस तरह से हम sentences को और बढ़ाएंगे. यहाँ तो एक एक sentence एक का बनाया हुआ है. And you are required to make more sentences of such word. ध्यान देना है कि ओबीडियंट के साथ टू ही लगता है, ऑब्जेक्ट के साथ टू ही लगता है, प्रे के साथ टू ही लगेगा, प्रेफर के साथ टू ही लगेगा, प्रे फिर टू लगता है. यहाँ प्रे टू मतलब शिकार. सबका सेंटेंस बना हुआ है. प्रेफर टू. आई प्रेफर स्विमिंग टू राइडिंग. प्रे टू. ही फेल प्रे टू डिजीज. एक्सीड टू. आई कैन नॉट एक्सीड टू योर रिक्वेस्ट. एक्सीड टू का मतलब होता है मानना, सजेशन मानना, रिक्वेस्ट मानना. Accompanied to. साथ देना. I accompanied him to his house. Addict to. लत पर जाना. He is addicted to gambling. उसको जुए का लत पड़ा हुआ है. Alive to. He is alive to danger he is in. Alive to मतलब समझना,
अपने समस्या को समझना. अपॉइंट टू, ही वॉज अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ पोस्ट ही हैड अप्लाइड फॉर. ही वॉज अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल. ही वॉज अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ टीचर. तो अपॉइंट के साथ टू लगेगा. एवर्स टू, ही इज एवर्स टू गैम्बलिंग. उसका विरोधी है, वो पसंद नहीं करता, एवर्स. अब एक्सेस टू, पहुंच होना. द स्टूडेंट हैव एन इजी एक्सेस टू द प्रिंसिपल. अकस्टम्ड टू, आई एम नॉट अकस्टम्ड टू सच ट्रीटमेंट. अकस्टम्ड टू, परिचित होना, लत रहना. एफिलिएट टू, दिस कॉलेज इज एफिलिएटेड टू दिल्ली यूनिवर्सिटी. संबद्ध होना, स्कूल कॉलेज सब किसी संस्था से संबद्ध होता है, तो एफिलिएट टू. अनअवेयर, आंसरेबल टू, जवाब दे होना. आंसरेबल टू मतलब जवाब दे होना. यू आर आंसरेबल टू योर ऑफिसर फॉर द मिस्टेक्स यू हैव मेड. तुम्हें जवाब देना पड़ेगा. कन्फाइंड टू, सीमित होना. ही वॉज कन्फाइंड टू बेड ड्यू टू इलनेस. क्रूएल टू, ही शुड नॉट बी क्रूएल टू एनिमल्स. वी शुड नॉट बी क्रूएल टू एनिमल्स. क्रूएल टू मतलब निर्दयी होना. कंसीड टू, द गवर्नमेंट डिड नॉट कंसीड टू द डिमांड ऑफ द पब्लिक. कंसीडर, कंसीड टू मतलब कंसीडर करना. कंडेम टू, निंदा करना, भर्त्सना करना. ही वॉज कंडेम टू डेथ फॉर हिज क्राइम. पनिश करना, कंडेम का निंदा या पनिशमेंट सब कुछ होता है. कंड्यूसिव टू, दिस फूड इज नॉट कंड्यूसिव टू हेल्थ. कंड्यूसिव मतलब उपयुक्त, गुड. कन्फर्म टू, ही डज नॉट कन्फर्म टू कस्टम. मानना, समझना, कस्टम कन्फर्म टू. डेडिकेट टू, ध्यान देना, लगाव बनाना. ही हैज डेडिकेटेड हिज लाइफ टू द सर्विस ऑफ हिज कंट्री. समर्पित होना, डेडिकेट टू समर्पित होना. ड्यूटी टू, we owe a duty to our parents. duty to, we owe a duty to our parents. essential to, pure air is essential to our, essential to or for health. essential to health ya for health. to essential ka sath to for dono lag sakta hai. interest to, he interested this work to me. entitled, interest means hota hai hame dena, jawab de hi dena. Entitled to, he is not entitled to his praise on this account. Into, उसके लिए संबद्ध होना, उसके लायक होना. Equal to, he is not equal to this task. He is not equal to this task. Exposed to, he was exposed to dangers from all sides. Fatal to, घातक होना. It proved fatal to his cause. False to, never be false to your friends. Jhootha hona. Feed to, feed grass to the cow. Bhojan karana, khilana. Heir to, H-E-A-R iska ucharan heir hota hai. Heir to, he is an heir to the throne. Uttaradhikari hona. Heir to matlab uttaradhikari. In debt to, in debt for. Rini hona. I am in debt to you for your kind help. Aap का मैं ऋणी हो गया क्योंकि आपने बहुत उपकार किया मुझे. आई इंट्रोड्यूस टू, ही इंट्रोड्यूस मी टू हिज पेरेंट्स. नोन टू, ही इज परफेक्टली नोन टू मी. परिचित होना, इंट्रोड्यूस में परिचय कराना. लायबल टू, यू आर लायबल टू एक्सपल्सन फ्रॉम द स्कूल फॉर योर मिसबिहेवियर. उसके सजा के पात्र होना, लायबल टू, किसी का कारण बन जाना. Lead to, where does this road lead to? ये सड़क कहाँ तक जाता है? Lead to, किस ओर तक, कहाँ तक? Loyal to, be loyal to your friends, be loyal to your country. Soldiers are loyal to the country. Loyal to. Marry to, he married his daughter to my elder brother. Marry के साथ to लगता है, शादी करना, शादी कराना. Moved to, I was moved to pity. To see him, I was moved to pity. Moved to मतलब विचलित होना. Occurred to, I did not occur, it did not occur to me that he was deceiving me. प्रतीत होना, occurred to प्रतीत होना. कभी प्रतीत नहीं हुआ कि मुझे धोखा देगा, दे रहा है. Open to,
खुला होना, इज ओपन टू करेक्शन, विलिंग टू, ओपन टू का मतलब विलिंग टू, हमेशा तैयार रहता है कि गलती हो तो सुधार कर लें। ऑब्लाइज टू, आई एम ऑब्लाइज टू यू फॉर योर काइंड ऑफर, मैं आपके लिए कृतज्ञ हूँ क्योंकि आपने मुझे उपकार किया। पार्शियल टू, ही वॉज पार्शियल टू हिज नेबर, पार्शियल होता है भेदभाव रखने वाला। रेफर टू योर टीचर फॉर योर डिफिकल्टीज, रेफर टू मतलब संपर्क रखना, संपर्क साधना। स्टूप टू, आई कैन नॉट स्टूप टू सच मीन टैक्टिक्स, स्टूप टू मतलब होता है किसी खास उद्देश्य के लिए कोई काम कर लेना। सब्सक्राइब टू, ही सब्सक्राइब ए लार्ज सम ऑफ मनी टू फेमिन रिलीफ फंड, संलग्न होना, देना, साथ कर लेना, साथ होना। ट्रेटर टू, ही इज ट्रेटर टू हिज कंट्री, धोखेबाज होना, देशद्रोही होना। ट्रेटर देशद्रोही। यील्ड टू, ही डिड नॉट यील्ड टू टेम्पटेशन, यील्ड टू मतलब होता समर्पित होना, त्याग देना, छोड़ देना। अब ऐसे वर्ड जो प्रीपोजिशन ऑफ लेते हैं, ये सब वर्ड जो है ऑफ ही लेंगे। एक्यूज्ड ऑफ, दोषी ठहराना, ही वाज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट। अफ्रेड ऑफ, डरना, आई एम अफ्रेड ऑफ डूइंग गोइंग आउट एट नाइट। अशेम्ड ऑफ, शर्मसार होना, आर यू अशेम्ड ऑफ योर कंडक्ट। एडवांटेज ऑफ और एडवांटेज ओवर दो होता है, इसलिए स्टार मार्क किया है, एडवांटेज दोनों लेता है, ऑफ भी ओवर भी। ही टुक एडवांटेज ऑफ हिज लीनियंसी, वो उसके विनम्रता का फायदा उठाया। और एडवांटेज ओवर, ही गेन्ड एन एडवांटेज ओवर मी, वो मेरे होने का मेरे ऊपर एक फायदा ले लिया। अप्रूव ऑफ, द प्रिंसिपल डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिज कंडक्ट, उसके व्यवहार को उन्होंने मंजूर नहीं किया। समर्थन, अप्रूवल मतलब समर्थन करना। एश्योर ऑफ, आई एश्योर यू ऑफ माई सपोर्ट इन द इलेक्शन, एश्योर मतलब साथ देना या वचन देना। अवेल ऑफ, फायदा लेना, मौके का फायदा लेना, आई अवेल माई सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी। एवेंज ऑफ, बदला लेना, रिवेंज की तरह एवेंज ही होता है। ही अवेंज्ड ऑफ हिज फादर्स डेथ, अपने फादर के डेथ का उसने मर्डर से बदला ले लिया। एक्विट ऑफ, दोष मुक्त होना, ही वॉज एक्विटेड ऑफ द चार्ज, उसके ऊपर जो चार्ज लगा था उससे मुक्त हो, दोष मुक्त हो गया, कोर्ट ने बरी कर दिया, बरी होना। अवेयर ऑफ, मालूम रखना, ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ द डेंजर ही वॉज इन। बी वेयर ऑफ, सतर्क होना, बी वेयर ऑफ इविल कंपनी। बोस्ट ऑफ, तारीफ करना, वी मस्ट नॉट बोस्ट ऑफ अवर क्लेवरनेस। ब्लाइंड ऑफ एंड ब्लाइंड टू, ब्लाइंड के साथ दोनों लगता है, रिमार्केबल यूज है, ध्यान देना, स्टार मार्क किया हुआ है। ही इज ब्लाइंड ऑफ वन आई, जब आंख से कोई अंधा होगा तो ब्लाइंड ऑफ लगाएंगे, और जब अपना गलती कोई ध्यान नहीं देता है, बार बार गलती करता है, उसको कहते हैं ब्लाइंड टू, ही इज ब्लाइंड टू हिज फॉल्ट्स। बोस्ट ऑफ, डू नॉट बोस्ट ऑफ योर एबिलिटी, तारीफ करना, गर्व करना, बोस्ट ऑफ। बॉर्न ऑफ एंड बॉर्न इन, पैदा लेना, बॉर्न ऑफ और बॉर्न इन दोनों मतलब होता है। ही वॉज बॉर्न ऑफ पुअर पेरेंट्स, जब पेरेंट्स की बात होगी तो हम लोग ऑफ लगाएंगे, पर्सन के लिए जब यूज करेंगे तो ऑफ लगाएंगे। और बॉर्न इन, ही वॉज बॉर्न इन ए रिच फैमिली, वो धनी परिवार में पैदा लिया, यानी उसका लालन पालन, या बॉर्न इन का मतलब ब्रॉट इन हो गया। तो जब परिवार की बात होगी तो इन कहेंगे, व्यक्ति की बात होगी तो ऑफ कहेंगे, बॉर्न ऑफ बॉर्न इन। बाय ऑफ, बाय फ्रॉम, दोनों होता है। ही बॉट एन अम्ब्रेला ऑफ ए शॉपकीपर, एक दुकानदार से लिया। एंड ही बॉट दिस बुक फ्रॉम ए नियर बाय शॉप, तो बाय ऑफ भी होता है, बाय फ्रॉम भी होता है। कैपेबल ऑफ, ही इज कैपेबल ऑफ वर्किंग फॉर 4 hours एट ए स्ट्रेच, सक्षम होना है, capable of, एक साथ 4 घंटे तक काम कर सकता है। चीट ऑफ, धोखा देना, he cheated me of my dues। confident of, confident होना, विश्वस्त होना अपने ऊपर,
किसी पर आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माई सक्सेस कंसिस्ट ऑफ धारण करना या संलग्न होना आवर क्लास कंसिस्ट ऑफ 40 बॉयज केयर ऑफ वी शुड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ ध्यान रखना क्योर ऑफ बीमारी आदि से मुक्ति पाना ही वॉज सून क्योर्ड ऑफ हिज डिजीज डेफ ऑफ एंड डेफ टू डेफ भी दो लेता है ऑफ भी प्रिपोजिशन लेगा टू भी लेता है ही इज डेफ ऑफ ईयर्स सिंस हिज बर्थ ये कानों से बहरा होना जब कान से बहरा होगा तो डेफ ऑफ कहेंगे और ध्यान नहीं देना होगा तो कहेंगे डेफ टू ही इज डेफ टू ऑल हिज एडवाइसेस जैसे ब्लाइंड के साथ टू था ब्लाइंड ऑफ था आंख से अंधा ब्लाइंड ऑफ और गलती पर ध्यान नहीं देना ब्लाइंड टू ऐसे ही डेफ के लिए भी है डाई ऑफ मेनी पीपल डाई ऑफ कॉलरा एवरी ईयर डिप्राइव ऑफ यू कैनॉट डिप्राइव मी ऑफ माई राइट्स डाई ऑफ कारण से मरना डिप्राइव मतलब वंचित करना डिजायरस ऑफ इच्छा रखना ही इज डिजायरस ऑफ विनिंग ए स्कॉलरशिप Despair of निराश होना He despaired of his success. उसको लगा कि वो successful नहीं होगा तो despair of Devoid of उसके बावजूद नहीं होने के बावजूद भी He is devoid of all good qualities. वंचित होना Devoid of Dispose of यहाँ पर O double F of है Dispose of बेच देना हटा देना He has disposed of all his goods. अपने सारे सामान को उसने बेच दिया इंक्वायर ऑफ ही इंक्वायर्ड ऑफ हिम अबाउट हिज हेल्थ इंक्वायर ऑफ मतलब जिज्ञासा करना इनवॉइस ऑफ ईर्ष्या करना ही इज इनवॉइस ऑफ हिज गुड फॉर्च्यून वो पड़ोसी का किसी का अच्छा देख करके ईर्ष्या कर होता है तो कहते हैं इनवॉइस ऑफ फॉन्ड ऑफ आदि होना ही इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग नॉवेल्स गुड ऑफ He is very good of you to help us. It is very good of you. Achhai. Good of matlab achhai. Quality of. He was found. Quality of murder. He was found guilty of murder. Guilty of. Guilty matlab dosi. Greedy of. Lobhi. He is greedy of money. Hard of. He is hard of hearing. Dhyan nahi deta. Muskil se dhyan dega. परवाह नहीं करने वाला हार्ड ऑफ हियर ऑफ आई वॉज वेरी सॉरी टू हियर ऑफ या हियर अबाउट हिज डेथ ऑफ और अबाउट दोनों हो सकता है हियर सुनकर होप ऑफ आशा से ही हैज नो होप ऑफ सक्सेस कोई आशा नहीं है उम्मीद नहीं है होपफुल ऑफ ही इज होपफुल ऑफ सक्सेस हील ऑफ घाव आदि का भरना ही वॉज healed of his disease swasth hona heal of matlab swasth hona ignorant of gyan se bahar agyan hona pata nahi hona he is ignorant of what is happening here ill of he is ill of or with fever ill of bhi hoga ill with bhi hoga to he is ill of fever ya he is ill with fever bimar hona impatient too अधैर्य होना अधीर होना he was impatient to opposition innocent of the crime उसको innocent मतलब होता है कुछ पता नहीं होना अनभिज्ञ होना innocent jealous of ईर्ष्या रखना he is jealous of my good fortune उसको मेरे अच्छे समय से ईर्ष्या हो रही है lamb of lamb in lamb of he is lamb of और lamb in one leg एक पैर से लंग रहा है mindful of he is not mindful of what others say उसको परवाह नहीं है कौन क्या कहता है mindful of neglect of ध्यान नहीं देना he was found guilty of neglect of duty duty पर ध्यान नहीं देता था इसलिए वो दोषी हो गया need of He is in need of money. जरूरत होना need of. Partake of. He partook of the feast given to him by his friend.
पार्टिसिपेट करना लेना. पिकुलियर ऑफ दिस ड्रेस इज पिकुलियर ऑफ दिस कंट्री. प्राउड ऑफ ही इज प्राउड ऑफ हिज एबिलिटी, गर्व होना. क्विक ऑफ ही इज क्विक ऑफ अंडरस्टैंडिंग. क्विक ऑफ मतलब जल्दी से समझ लेना, कर लेना. रॉब ऑफ ही रॉब्ड हिम ऑफ ऑल ही हैड, हिज वेल्थ, लूट लेना. शॉर्ट ऑफ ही वॉज सून शॉर्ट ऑफ मनी. शॉर्ट ऑफ मतलब कमी हो जाना, कमी महसूस करना. सर्च ऑफ खोज में. आई एम इन सर्च ऑफ ए हाउस. टायर्ड ऑफ थक जाना. आई एम टायर्ड ऑफ दिस जॉब. वार्न ऑफ ही वार्न मी ऑफ द डेंजर. पहले से ही सतर्क कर देना, वार्न ऑफ. वेरी ऑफ ही सून गॉट वेरी ऑफ हिज लाइफ. अपने जीवन से थक गया था. वर्ड्स फॉलोड बाई प्रीपोजिशन फ्रॉम. अब ये वर्ड्स जो हैं, जो हम पढ़ रहे हैं आप, वो सब फ्रॉम लेंगे. एलाइट फ्रॉम, उतर जाना घोड़े से या अनजगो से उतर जाना. ही एलाइटेड फ्रॉम द हॉर्स. ही एलाइटेड फ्रॉम द ट्रेन. ही एलाइटेड फ्रॉम द बस. ऐसे. बोरो फ्रॉम, मांगना, उधार मांगना. ही बोरोड सम बुक्स ऑफ और फ्रॉम हिज फ्रेंड. ऑफ भी हो सकता है ऑफ हिज फ्रेंड या फ्रॉम हिज फ्रेंड. बाई ऑफ भी हो सकता है, बाई फ्रॉम भी हो सकता है. ही बॉट एन अम्ब्रेला ऑफ ए शॉपकीपर. ही बॉट दिस बुक फ्रॉम ए नियर बाई शॉप. ऑफ भी होगा और फ्रॉम भी होगा. कंसील फ्रॉम, छुपा कर रखना. आई हैव नॉट कंसील्ड एनीथिंग फ्रॉम यू. कुछ भी नहीं छुपाया हमने. डिसडुएट फ्रॉम. आई ट्राई टू डिसडुएट हिम फ्रॉम हिज रिजॉल्व. उसको वंचित होने से रोकना. एलिसिट फ्रॉम. आई कुड नॉट एलिसिट एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम हिम. कुछ भी हमने उससे छुपा के नहीं रखा कुछ इंफॉर्मेशन. एग्जेम्प्ट फ्रॉम, वंचित होना. ही एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ ऑल ड्यूज. उसको पेमेंट देने से रोक दिया गया. फ्री फ्रॉम. ही वॉज नॉट फ्री फ्रॉम ऑल डेंजर्स. मुक्त होना. फ्री फ्रॉम मतलब मुक्त होना. हिंडर फ्रॉम, आनाकानी करना. डोंट हिंडर मी फ्रॉम डूइंग व्हाट आई लाइक. पार्टेड फ्रॉम. ही पार्टेड फ्रॉम हिज फ्रेंड. अलग होना. पार्टेड मतलब अलग हो जाना, बाय बाय कह देना, चल देना. परसिस्ट फ्रॉम. यू मस्ट परसिस्ट फ्रॉम गोइंग देयर. रोकना, नहीं वंचित होना. क्वोट फ्रॉम, कहीं की बात कहना. ही क्वोटेड फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स इन सपोर्ट ऑफ हिज कंटेंशन. अपने विचारों को समर्थित करने के लिए उसने कि महात्मा गांधी का, शेक्सपियर का, किसी का भी बात कोट किया, समझाया. रिफ्रेन फ्रॉम, रोकना, वंचित करना अपने को. आई कुड नॉट रिफ्रेन फ्रॉम शेडिंग टीयर्स एट हिज मिजरेबल कंडीशन. इस तरह के सेंटेंसेस को यूज, वर्ड्स को अलग अलग कई सेंटेंस बना के यूज कीजिए. इसको मिरर के सामने रोज 5-7 मिनट का टाइम लगेगा, पढ़ करके प्रैक्टिस कीजिए तो सब के सब आ जाएगा. इसमें मिस्टेक्स होने का चांस होता है. इतने ये वोकैबुलरी का भी पार्ट है, स्पोकन इंग्लिश का भी पार्ट है, और मिरर के सामने बोलने का प्रयास कीजिए तो यू विल बिकम वेरी गुड स्पीकर. फॉर कंप्लीट कंटेंट ऑफ ग्रामर, राइटिंग सेक्शन, वर्ड स्टडी एंड क्लास 11 एंड 12 कंटेंट कोर, विजिट www.englishontips.com. Also subscribe, share and like YouTube channel English on Tips with KT Jha. जो भी आप पढ़ रहे हैं जिसमें ये आपको मिला है. एक और है हमारा साहित्य और संस्कार चैनल है YouTube पे. इसमें भी पोएम है, रेसिटेशन है, सॉन्ग्स है, स्पीच है, काउंसलिंग है, बहुत सारे चीज़ हैं, एलोक्यूशंस हैं. इसको भी देखिए, सुनिए, पढ़िए, फ़ायदा होगा.